दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक रियल अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि आप रिचार्ज करके पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा और इसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो एप्लीकेशन है उसका नाम है जियो पॉज लाइट। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके आपको इसे ओपन कर लेना है, या तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है अगर आप नए यूज़र हैं तो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है और फिर दोबारा आपको नीचे जियो का नंबर डालना है। और याद रहे दोस्तों ये जियो का नंबर ही डालना है आपको यहाँ पर। अब दोस्तों आपको यहाँ से चूज़ योर पार्टनर टाइप पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने कहा आपको रिचार्ज करके आप पैसे कमा सकते हैं, तो आपको ये थर्ड वाला सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिचार्ज पार्टनर, और इसके लिए जो डिटेल्स रिक्वायरमेंट है वो है जियो का मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद जो भी आपका नंबर है उस पर आपको OTP आएगा, जो आपने नंबर दिया है उसे यहाँ पे एंटर कर देना है। दोस्तों यहाँ से आपको लोकेशन अलाउ कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और आपका नेम आ चुका है, और फिर इसके नीचे आपको यहाँ पे वर्क लोकेशन डाल देनी है। ओके पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी वर्क लोकेशन सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। और दोस्तों यहाँ से रेफरल कोड में आपको स्क्रीन पर दिया गया रेफरल कोड डाल देना है और फिर यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर देना है, और इन दोनों को आपको चेक मार्क कर देना है और यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको डन पे क्लिक कर देना है। अब अगेन आपको यहाँ से मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर देना है। जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ यहाँ पर, जिससे मैंने ये आईडी बनाई है। लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से नीचे आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है, ये ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको एक एमपिन डालना है जो कि सीक्रेट होता है, जो कि आपको उसे किसी को नहीं बताना होता है। तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ अपना एमपिन। यहाँ से कंफर्म कर देना है आपको, अगेन वही वाला एमपिन डाल के, और सेट एमपिन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका अकाउंट बन चुका है। अब दोस्तों इसमें पैसे ऐड करने के लिए आपको लोड मनी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपको फर्स्ट टाइम में 1000 रुपीज़ ऐड करना होगा, बाकी इसके बाद आप 200 रुपीज़ मिनिमम ऐड कर सकते हैं हर बार। तो यहाँ से मैं गॉट इट पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अर्निंग बता रहा है, आप 1000 रुपीज़ ऐड करेंगे तो आपके अकाउंट में 1041.66 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। मतलब 1000 पे आपको 41.66 रुपीज़ की अर्निंग होगी। आपको यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप पैसे ऐड करने के लिए UPI, क्रेडिट डेबिट या ATM कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वॉलेट में आप किसी भी वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं पेटीएम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपका पेटीएम नंबर आ जाएगा, यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करना है और फिर अगेन आपके नंबर पे OTP आएगा, जिसे कि आपको यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से पे 1000 रुपीज़ पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 1000 रुपीज़ ऐड हो चुका है। यहाँ से डन पे क्लिक कर देना है आपको। अब यहाँ पर आप अवेलेबल बैलेंस देख सकते हैं। दोस्तों आपको रिचार्ज करने के लिए यहाँ से रिचार्ज पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे वो नंबर डाल देना है जिसको अभी आपको रिचार्ज करना है, जिस नंबर पे, लेकिन याद रहे वो जियो का ही नंबर होना चाहिए। नंबर डालने के बाद यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जिस भी प्लान के साथ आप रिचार्ज करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेना है आपको। जैसे कि मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, 149 24 डेज एंड 1 GB पर डे डाटा। यहाँ से आपको रिचार्ज करने के लिए बाय पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको वो वाला एम पिन डालना है जो एम पिन आपने बनाया था 4 डिजिट का, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और फिर यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो चुका है। दोस्तों जिसका भी आपने रिचार्ज किया है उससे पैसे लेने के बाद जितने का भी आपने रिचार्ज किया है यहाँ से येस पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से डन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस 892.66 रुपीज़ बचा हुआ है। और अगर आपको अपनी अर्निंग्स देखनी है तो आपको इस प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है और माय अर्निंग्स पे क्लिक कर देना है। 41.66 रुपीज़ आपकी अर्निंग यहाँ पर शो हो रही है, आप देख सकते हैं।